मोदी ग्राउंड से निकली 108 बैलगाड़ियों की विशाल यात्रा। चित्रकूट धाम में 5 दिवसीय हरित संगम मेला शुरू। भीलवाड़ा शहर में स्थित चित्रकूट धाम में बुधवार को 5 दिवसीय हरित संगम 2024 पर्यावरण मेले का शुभारंभ हुआ, जहां मेले से पूर्व मोदी ग्राउंड से चित्रकूट धाम तक 108 बैलगाड़ियों की यात्रा निकाली गई। बैलगाड़ी यात्रा को भीलवाड़ा शहर के प्रमुख संतों के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़गढ़ प्रांत के प्रचारक विजयनंद, पद्मश्री हुकुमचंद पाटीदार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। में सवार राम लक्ष्मण व हनुमान बने बच्चे भी आकर्षण का केंद्र बने। बैलगाड़ी यात्रा मोदी ग्राउंड से प्रारंभ हो रोडवेज बस स्टैंड सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चित्रकूट धाम पहुंची। विश्व हिंदू परिषद और अपना संस्थान की पहल पर भारत की संस्कृति का जो आधार है, जो प्राण तत्व है गो माता, उस गो माता के उसी अंश नंदी के द्वारा जिस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश हुई है आज की हरित संगम यात्रा में, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। ये समय है जब एक बार फिर से जड़ों की ओर लौटने का, माटी की ओर लौटने का, इतिहास और संस्कृति की तरफ लौटने का। तो ये जो अभिनव आयोजन है ये संदेश समाज में जागरूकता के लिए और एक बेहतर कल के लिए है। आज भीलवाड़ा में बैलगाड़ी यात्रा 101 बैलगाड़ियों की निकाली जा रही है। पर्यावरण और हरित क्रांति को बेल बचाने का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा आज मोदी ग्राउंड से प्रारंभ होकर के लव गार्डन होकर के नेहरू रोड होकर के बाजार में घूमती हुई चित्रकूट धाम में इसका समापन होगा किसान सम्मेलन के रूप में। यहाँ हर बैलगाड़ी सज धज करके आई है, सभी केसरिया साफे और केसरिया ध्वज लहरा पहना करके आए हैं और एक कुल मिला के 32 गांव से 104 बैलगाड़ियों को बुलाया है। इसके पीछे मूलतः है बैल बचाने का, नंदी बचाने का उद्देश्य है। आज गाय के जब बछड़ी होती है तो पाल लेते हैं और बछड़ा होता है तो उसको जंगल में कटने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि नंदी के प्रति, बैल के प्रति, बछड़ों के प्रति भी जो उदासीनता है, ट्रैक्टर की जो ये ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टरों की प्रथा को खत्म करने के लिए, इस बैलों का उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम ये बैलगाड़ी यात्रा निकाली है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।